हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 g, मतलब होता है बच्चों गॉस, है ना, और जहाँ पे एक गॉस इज इक्वल टू होता है 10^-4 टेस्ला इज मेंटेन्ड। तो एक एरिया है, एक चैम्बर है जिसमें कि इतना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन टू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ इतना नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया, फेंका गया, तो क्या होता है, तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगता है। तो कह रहा है कि बच्चों एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, तो क्यों वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, और उसके साथ साथ हमें सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी बताइए। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास है एक चैम्बर, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों जो कि अंदर की ओर एग्जिस्ट करता है। अंदर की ओर मतलब बच्चों क्या, क्रॉस, किधर है, क्रॉस, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द चैम्बर, पूरा चैम्बर में सेम ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों होगा क्या, समझिएगा, जैसे ही हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों प्रोजेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक वी वेलोसिटी से, तो होगा क्या, आप ज़रा ध्यान समझिएगा, इस पर लगेगा फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा सर, वो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का अगर डायरेक्शन बच्चों का ध्यान समझे तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड का पाम रूल से। क्या करना रहता बच्चों कि आपको करना है इस उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठे को करना है बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर मूवमेंट, और फिर जो ये हथेली जो बताएगा बच्चों, दैट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट लगने वाला फोर्स। क्लियर है क्या सभी को बात, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा क्या होगा, अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की ओर, तो हमने कर दिया उंगलियों को बच्चों इधर अंदर की ओर, मोशन आप इलेक्ट्रॉन की तरफ बच्चों ऊपर की ओर, ठीक है, तो लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर की ओर, क्लियर है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर लगता है अपोजिट फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। यानी कि बच्चों जैसे ही इस फील्ड में एंटर करना शुरू करेगा, इसको एक इधर की ओर, जैसे एंटर करता है जिसको एक इधर की ओर, अंदर की ओर फोर्स खींचने लगता है, अंदर की ओर, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ये ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगता है, क्योंकि आगे बढ़ते के साथ साथ इसको एक अंदर की ओर फोर्स खींचने मिल जाता है, जो कि होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। समझ में आ गया क्या, तो इसीलिए वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। समझ में आ गया, यानी कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन या फिर मूविंग चार्ज एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है बच्चों, तो होता क्या है कि उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है टू द मोशन, उसके मोशन के परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। और सर्कुलर मोशन में यही तो होता है, अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो उसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि होता है mv²/r, क्लियर है। आप ध्यान समझिए बच्चों, इस पार्टिकल पे अब दो टाइप का फोर्स लग रहा है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स है ना, और उस ये जो फोर्स है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स अच्छा कितना होता है सर, होता है qvb sin थीटा, क्या होता है qvb sin थीटा, और सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा mv²/r, क्लियर है। तो एक v से एक v काट दीजिए तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/qb sin थीटा, क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमसे रेडियस भी पूछा था, रेडियस भी निकाल ही लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है 9.1 × 10^-31, वेलोसिटी कितना दे रखा है इसका 4.8 × 10^-6, -6 से +6 है, ठीक है, +6 है ये। और क्यू क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10^-19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू दे रखी है अपने को, कुछ क्या दे रखी है बच्चों, 6.5 गॉस, यानी कि 6.5 × 10^-4 का टेस्ला। और साइन थीटा बच्चों क्या है, तो ये बेसिकली दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स अंदर, तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, sin 91, क्लियर। अब कार्ड्स को काट दीजिए, तो ज़रा देखें बच्चों ध्यान से, 16 × 3 = 48 है, तो तीन बार में कट गया, और इसको अगर देखें बच्चों 13×5 = 65 और 13×7 = 91 हो गया, तो क्या होगा बच्चों ज़रा ध्यान से समझिएगा, तो होगा सर 70 = 21
बटा में पाँच, 21 बटा 5 इंटू पावर देखे बच्चों, तो देखिए क्या हो गया, 19 चार 23 हो गया, और ये हो गया 31 में से 6 गया 25, यानी माइनस 25 ऊपर है और माइनस 23 नीचे है, तो ये हो जाएगा 10^-2 मीटर में। अच्छा 21 बटा 5 कितना होता है सर, ये होता है सर 4.2, 4.2 इंटू 10^-2 मीटर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको इतने वेलोसिटी और इतने मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोजेक्ट करते हो, तो ये 4.2 सेंटीमीटर के स्पीड रेडियस के पाथ पर सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।